अब जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो हमें लिख के भेजी है रंजू राय जी ने। अब इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि ये कहाँ पर हैं और इन्होंने कहाँ से रेसिपी भी है, लेकिन रेसिपी बहुत लाजवाब है। रेसिपी है पोटैटो पिकल्स की, बनाएं से? हाँ जरूर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैं क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पर छोटे उबले आलू हैं, अचार है, मिक्स अचार जो होता है उसे हमने चॉप कर रखा है जी। बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा हरा धनिया, राई, सौंफ, जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर और यहाँ पर हमारे पास कसूरी मेथी है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक कढ़ाई, फ्लेम ऑन करते हैं और इसके अंदर डालते हैं तेल। हम इसमें नॉर्मल तेल यूज कर रहे हैं तो करीब 2 चम्मच तेल यूज करेंगे, तो इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है कमलेश जी, अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग, करीब 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए जी, और इसमें डालते हैं जीरा जी। करीब 1 चम्मच सौंफ, ये भी करीब 1 चम्मच डालते हैं इसमें, ये राई, ये करीब 1 चम्मच। तो ऑलमोस्ट हमने वो सारे मसाले इसमें डाल दिए जो कि अचार में हैं, और हम अच्छी तरह से चला लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। ये लीजिए, अब ये मसाले भून चुके हैं, इसमें अब हम डालते हैं बारीक कटा टमाटर, 1 टमाटर है यहाँ पर, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। इसके अंदर अब हम डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, हल्दी भी, ये करीब 1/2 चम्मच। अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इससे भी फ्लेवर काफी अच्छा आएगा जी बिल्कुल, और 1 चम्मच हरी मिर्च। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 चम्मच डाली अभी, ये भी 1/2 चम्मच डाला है। ये लीजिए मसाले अब यहाँ पर भुन चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालते हैं ये आलू। यहाँ पर हमारे पास करीब 25 से 30 छोटे आलू हैं जिनको हमने उबाल कर छिलका उतार के रखा है, इसको मिला लेते हैं। आलू के साथ इन मसाले अपना रंग अलग ही दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल। अब हम इसके अंदर डालते हैं ये अचार, हमारे पास यहाँ पर मिक्स्ड अचार है जिसने पहले ही चॉप करके रखा हुआ है, तो ये अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी कटोरी अचार, और साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया करीब 2 चम्मच, और अब इसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेते हैं। इसको आप कितनी देर तक फ्राई करेंगे कमलेश जी? इसे हम करीब 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चलते रहेंगे। ये लीजिए ये डिश यहाँ पर रेडी है, इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ, और अब इसमें डाल कसूरी मेथी, अच्छा ये सबसे एंड में डालेंगे हम, ये भी बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है इसे। और अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, आप चाहें तो इसे ढक के भी रख सकते हैं, और करीब 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं, जब सारे के सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए, कसूरी मेथी का फ्लेवर अंदर चला जाएगा, सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा जी बिल्कुल, उसके बाद सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? बहुत बढ़िया लगी, ये तो बहुत पांचवी बन गई जी। तो कोई मेहमान घर में आ जाए और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए, उसके बाद भी आप इसे बना सकते हैं और उसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसी डिशेज तो ज्यादातर घर होती है कि मेहमान बता के नहीं आते हैं, जिस समय लोग बैठ जाते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि अब क्या किया जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी। थैंक यू कमलेश जी कि आप शो पर आए और इतनी बढ़िया रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें बुलाया और इतनी अच्छी डिशेज हमें हमारे सामने बनाई है, जो कि बहुत ही 5 मिनट में है कि मेहमान अचानक ही आते हैं, और ऐसी रेसिपीज तो बहुत ज्यादा घर में जरूरत होती है कि मेहमान डाइनिंग टेबल बैठ जाते हैं उसके बाद भी बन सके और हम वैरायटी दे सके। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। चलिए यहाँ पर हमारे पास रेडी है ये रेसिपी जो हमें लिखकर भेजी है रंजू राय जी ने, तो एक बार का भी हम धन्यवाद प्रकट कर देते हैं, और आप लोग जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए, पोटैटो पिकल। पोटैटो पिकल बनाने के लिए आपको चाहिए तेल 2 बड़े चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, तीखी हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, कटी हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, तीखी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, छोटे उबले आलू 20 से 25, मिक्स अचार 1 छोटी कटोरी, कटा हरा धनिया 2 छोटे चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग, जीरा, सौंफ और राई डालकर भूने, इसके बाद कटा टमाटर कर भूने, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और हरी मिर्च डालें,
थोड़ा भूनें और पिसी लाल मिर्च मिलाएं। अब आलू डालें और पकाएं। मिक्स अचार हरा धनिया डालकर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी डालें। पोटैटो पिकल तैयार है।